हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल का आटे की फूल, जिसे तेल में छानकर भी खाया जाता है या रिफाइन में भी आप छान सकते हैं। इसे तो दनौड़ी भी बोलते हैं या तिलौड़ी भी बोलते हैं। जो तिल का होता है उसे तिलौड़ी बोलते हैं, और जो दाल का होता है उसे दनौड़ी भी बोला जाता है, और चावल का आटा का जो बनता है उसे फूल भी कहा जाता है। जिसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी चावल का आटा, जिसमें मैंने 6 गिलास पानी डाला है, जिसे पकाने के लिए मैंने एक कुकर में इसे मिलाकर डाल दिया है, और यह मेरा पक गया है। अभी इसे मैं ठंडा होने के लिए रखूंगी, मगर थोड़ी सी ग्रेवी पतली हो रही है। इसे मैं अब मेरी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जब ग्रेवी ठंडी हो गई तो मैंने इसे हाथों में रिफाइन लगा लिया, और इसे छोटे छोटे आकार में इसे मैंने एक परात में डाला है, जो देखिए इस तरह से बन रहे हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं लगता है, सिर्फ धूप का कमाल है। धूप हमारी अच्छी निकली तो बहुत अच्छी तरह से सूख जाएगी। इसमें मैंने डाला है सिर्फ जीरा और नमक स्वाद के अनुसार। धूप तो 2-3 दिन से बहुत अच्छी निकल रही है, तो मैंने सोचा कि इसे बना लिया जाए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में या मई और जून में बनता है, क्योंकि कड़ी धूप रहती है, और ये धूप में ही है ना सूखता है बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैं इसे 2 प्लेट में डालकर बनाया है। कितने लोग तो इसे प्लास्टिक में भी बनाते हैं, या कपड़े पर भी इसे सुखाते हैं, मगर कपड़े पर सुखाने से क्या होता है, ये सट जाती है। 2-3 दिन के बाद ये इस तरह से सूख कर रेडी हो जाता है, और देखिए कितने अच्छी लग रही है चावल के फूल। इसे हम लोग जब तक बनाया था तो कितना कैसा रंग आया था, वो वाइट था, और ये ब्राउन हो गया है, एकदम सूख कर बिल्कुल रेडी हो चुका है। 2-3 दिन में ये तैयार हो जाता है। एक खटखट देख लिया जाए, हम लोग देखते हैं इसे कि खटखट आवाज़ आ रहा है कि नहीं। फिर मैंने इसे छान कर इस तरह से फूल बनाया है। देखिए कितने अच्छी लग रही है। आप लोग भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यहीं से मैं अपना एंड करती हूँ।